नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे समय से मेरे मन में बात चल रही थी कि स्टडी जीके की एक ऐसी सीरीज शुरू होनी चाहिए जो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो हाई लेवल के हों चाहे लो लेवल के हों, सारी सीरीज को वो कम्प्लीट करे। तो अगर आप स्टडी जीके को पढ़ रहे हैं, आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, यूपीपीएससी का एग्जाम दिया है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स दिए हैं, तो आपको पता होगा कि बहुत ही सरल प्रश्न हाई लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही कठिन प्रश्न लो लेवल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम के लिए बनाया गया है, इसको कोई भी वर्गीकृत कैटेगराइज नहीं कर सकता है। और यही वजह होती है कि हमें स्टडी जीके को अत्यधिक इम्पॉर्टेंट, उसको उतना अधिक महत्व देना चाहिए। तो ये जो सीरीज चलेगी आगे चलकर टॉपिक वाइज हो जाएगी। फिलहाल आज का जो वीडियो है ये मिक्स होगा, और इस सीरीज के द्वारा जितने भी एग्जाम्स हैं, लाइक अगर आप यूपीपीएससी की कोई भी परीक्षा है, बीईओ, आरओआरओ, पीसीएस, इसके अलावा बीपीएससी के एग्जाम्स, राजस्थान पीसीएस के एग्जाम, एमपीपीसीएस, यूपीएसआई, बिहार एसआई, और इसके अलावा यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी एग्जाम हो, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सीरीज पूरी अगर आप लोग देखते रहेंगे, डेफिनेटली ये सीरीज आपके रिविजन के लिए, आपके इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, और बहुत सारे नए टॉपिक जो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़े हैं बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो सीरीज कंटिन्यू रहेगी तब तक जब तक आपको इसका प्यार मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट। प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 1908 में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहां पर भेजा गया था। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, इनको केसरी नामक अखबार के लिए जाना जाता है। ये केसरी नामक अखबार में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लिखा करते थे, और इसी वजह से उन्हें सन 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया था, और उन्हें 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा दी गई थी, और उन्हें मांडले जेल में रखा गया था। मांडले कहां पर स्थित था, तो मांडले ये वर्मा में स्थित एक जेल है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी। जीआईएस किसका सूचक है, तो 4 विकल्प हैं। सही जवाब इसका बनेगा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज ऑप्शन बी। तो जीआईएस क्या है फ्रेंड्स, तो ज्योग्राफिकल या ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंटर, ये क्या है, दिस इज ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, एनहेंसिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा रिलेटेड टू पोजिशन ऑन अर्थ स्पेस। तो आपका सही जवाब बना यहां पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होते हैं। जलाक्रांत मतलब जहां पर पानी अत्यधिक होता है वहीं पर ये वन विकसित होते हैं, और इनको कहा जाता है गरान या मैंग्रोव। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और आपको बता दें कि जो मैंग्रोव वन होते हैं ये अत्यधिक जलाक्रांत क्षेत्र में विकसित होते हैं। ये जल के अंदर जड़ों का एक जाल बनाते हैं जिस पर स्पंज और सेलफिश चिपक जाते हैं, और स्पंज और सेलफिश के बारे में आप जानते होंगे, ये जीव पानी को शुद्ध करने में सहयोगी होते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में 5 प्रकार की जो रिट है उसकी व्यवस्था की गई है, और ये रिट जो है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। तो इसमें व्यादेश शामिल नहीं है, परमादेश है, प्रतिषेध है, निषेध है, और इसके अलावा अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण है, लेकिन व्यादेश इसमें शामिल नहीं है। और इसका जो वर्णन है वो हमें आर्टिकल 32 खंड 2 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है, केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न। सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यश चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यश चंद्रशेखर, दैट इज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, यानी कि ये खगोल भौतिकी के लिए जाने जाते हैं, और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1983 में, 1983 में। यूएसए में कोलोराडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। कोलोरेडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए यूएसए में जाना जाता है। सही जवाब बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दैट इज ग्रैंड कैनियन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत बार पूछा गया है, जवाब बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज इंग्लैंड। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर
कौन सा था? तो दोस्तों इसका जवाब भी आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी। और हर्ष की जो जीवनी है वो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, ये भी आप याद रखना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, ये है अनुच्छेद 25(1) के अंतर्गत। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो दोस्तों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जानी जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कार्बन का उत्सर्जन होता है तो पृथ्वी के ऊपर यह एक लेयर बना लेती है, उसके बाद जब सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, वापस जाना चाहती हैं परावर्तित होकर, तो वो वापस नहीं जा पाती हैं, वापस लौट के आती हैं और पृथ्वी का जो तापमान है उसे बढ़ा देती हैं। और यही वजह होती है कि ये जो वैश्विक तापमान जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं ये कंसेप्ट वर्तमान में आया है। तो इसका जो मुख्य कारक गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में किसका सही सुमेलन नहीं है? लॉर्ड कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की थी, सही है। लॉर्ड विलेजली सहायक संघ के लिए जाने जाते हैं, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत यानी कि हड़प सिद्धांत भी जाना जाता है, ये भी सही है। और बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में, तो लॉर्ड कैनिंग ने शानदार निष्क्रियता के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। शानदार निष्क्रियता जो है ये कंसेप्ट जॉन लॉरेंस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जॉन लॉरेंस से। और जॉन लॉरेंस 1863 से लेकर 1869 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, और जॉन लॉरेंस के समय में ही 1865 में भारत से यूरोप के बीच टेलीग्राफ की जो सेवा थी वो शुरू की गई थी, तो ये भी आप याद रखना। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है 1857 का विद्रोह, और लॉर्ड कैनिंग 1856 में लेकर 1862 तक भारत का गवर्नर रहा था। अर्थव्यवस्था का कौन सा विषय द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? उद्योग धंधे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो वस्त्र उद्योग ये द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, ये एक इंडस्ट्री होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो 31% है हमारी GDP में। एरोफ्लोट नामक एक अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है, इसका संबंध किस देश से है? एरोफ्लोट, तो इसका संबंध है रूस से, ये आप बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल भी इसे गलत मत करना, ठीक है। और ये जो सेवा है वो 1923 से चल रही है रूस में। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक किताब है, इसकी रचना किसने की है? सही जवाब इसका बनेगा फ्रेंड्स एडम स्मिथ, ऑप्शन ए। एजार कप किस खेल से संबंधित है? एजार कप ये किस खेल के लिए जाना जाता है? सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन बी पोलो के लिए, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं रबड़ का चलना हो या फिर पेट्रोल का चलना हो दोनों की वजह से प्रदूषण फैलता है, लेकिन सौर ऊर्जा का उपयोग करना, एक स्वच्छ ऊर्जा होती है सौर ऊर्जा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भी हाल ही में एक क्वेश्चन बना था कि ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बन गया है? तो ये देश बन गया है निकारागुआ। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है, और इसकी जो परिकल्पना की गई थी वो COP21 के अंतर्गत, COP21 ये आयोजन हुआ था पेरिस में, उसके अंतर्गत की गई थी और गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। तो भारत जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी अग्रणी है और पूरी दुनिया का ध्यान इस समय आकर्षित कर रहा है, तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी। और यह भी याद रखना कि ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है भारत में, और निकारागुआ इस पर इसमें शामिल होने वाला 87वां देश बन गया, यानी कि ISA में कितनी कंट्रीज हो गई हैं? 87। अल्कोहलों के बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3CO और H, अब यहां पर दो H और जुड़ते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका बी हाइड्रोजनीकरण करें तो कॉपर की उपस्थिति होगी, और तापमान कितना रहेगा? 273 डिग्री सेंटीग्रेड 573 डिग्री सेंटीग्रेड।
और क्या बनेगा, ये जो एच होगा ये अलग हो जाएगा, यानी कि एच टू अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा सी एच थ्री सी एच ओ, और ये क्या है, ये एक एल्डिहाइड है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब बनेगा। बांग्लादेश की मेघना व पद्मा नदियों का पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित की भारी मात्रा और खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, हिल्सा मछली के लिए। और आपको पता होगा कि हिल्सा मछली के परिरक्षण के लिए जब इनके अंडे देने का समय होता है तो उस समय बांग्लादेश के द्वारा इनको पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से इन मछलियों की जो प्रजाति है उनमें वृद्धि हो रही है। यदि पृथ्वी के परिभ्रमण की गति बढ़ा दी जाए तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना आप कि यदि पृथ्वी के परिभ्रमण की गति बढ़ा दी जाए तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा, तो पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा या घट जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल द्रव्यमान यानी कि मास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मास वही रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर परिक्रमण यानी कि परिभ्रमण जो है घूर्णन गति अगर ये बढ़ जाएगी, अगर ये बढ़ती है तो z का मान कम हो जाता है, z का मान घट जाता है बढ़ने पर। और अगर जो परिक्रमण है वो 17 गुना बढ़ जाए तो जो विषुवत रेखा होती है इस पर स्थित कोई भी वस्तु होगी तो उसका जो वेट होगा वो 0 ग्राम हो जाएगा। और अगर परिक्रमण स्लो हो जाएगा तो जी की वैल्यू क्या होती है, वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर पृथ्वी रुक गई तो जी का मान इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप उठ भी नहीं सकेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मास पर लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जी पर प्रभाव पड़ता है। 49वें समांतर रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? 49वें समांतर रेखा द्वारा सही जवाब इसका पता बनता है फ्रेंड्स, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स को। ये आप जरूर याद रखना। तो 69th पैरेलल लाइंस के द्वारा कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स को अलग किया गया है। यूएसए के मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी में तेज धूल भरी आंधी चलने वाली जो पवन है उसका नाम है ब्लैक रोलर, ऑप्शन ए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह जारी होता है। बात करेंगे 2020 के इंडेक्स की तो इंडिया की रैंक इसमें हो गई है 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? फर्स्ट पोजीशन पर है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे है। तो ये आप जरूर याद रखना। खाद्य असुरक्षा और G20 मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? और ये बैठक जो हुई थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी, अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने। भारत का नेतृत्व किसने किया था? भारत का नेतृत्व किया था किसने? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, नाम क्या इनका, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा भारत का नेतृत्व किया गया था खाद्य असुरक्षा और G20 मंत्रियों की बैठक में। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, सही जवाब याद रखना कि अफ्रीका महाद्वीप में माना जाता है कि सबसे पहले मानव का जन्म हुआ था अफ्रीका महाद्वीप में। 2019-20 का उत्तर प्रदेश का बजट 2018-19 यानी कि पिछले बजट से कितने प्रतिशत अधिक रहा? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में ये थोड़ी डिटेलिंग के साथ पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि 2019-20 का जो बजट है उसे वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने 7 फरवरी को पेश किया था। वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, राजेश अग्रवाल, ठीक है। और ये भी याद रखना कि जो कुल बजट का आकार था वो कितना था, ये बजट का आकार है 4,79,701.01 करोड़, ये था बजट का पूरा आकार और ये पिछले बजट से 12% अधिक था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कन्या सुमंगला योजना जिसकी घोषणा 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने की है के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो सही जवाब इसका 1200 करोड़ रुपए, सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 4 चरणों वाली इस योजना में कन्या के जन्म से लेकर डिग्री की पढ़ाई तक कुल 16,000 रुपए दिए जाएंगे। 25 अक्टूबर से योजना पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। कब से? 25 अक्टूबर से।
किस बाल्कन राष्ट्र ने फरवरी 2019 में नाटो की सदस्यता ग्रहण करने संबंधी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 काफी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए, नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया और बाल्कन देश नॉर्थ मैसेडोनिया का नाटो का तीसवा सदस्य, नाटो का कौन सा सदस्य बनेगा? नाटो का 30वां सदस्य बन जाएगा, ठीक है, तो ये आप याद रखना। और नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आलू रिडले कछुए के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में ये सबसे छोटे व भरपूर मात्रा में है, तो क्या ये ऑप्शन सही है? जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर के उष्ण जल में रहते हैं, ये भी सही है। और भारत कोरोमंडल तट आलू रिडली कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक बसेरा है, तो यहां पर जो विकल्प 3 है वो गलत है, ठीक है। आलू रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक बसेरा बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में है, न कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तो दो विकल्प सही है, तो हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? फिनिक्स बस्ती, तो दोस्तों याद रखिएगा सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। और इस बस्ती की स्थापना की गई थी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा 1904 में, जब गांधी जी डरबन में थे, तो उस समय उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1904 में। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। तो उसके जो राजा होते थे, तो जब धार्मिक प्रयोजन होता था तो एक मंच बनाया जाता था, और उस मंच को कहा जाता था महानवमी दिब्बा, महानवमी दिब्बा। फर्रे इज़दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो सही जवाब इसका होगा सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, दैट इज ऑप्शन ए। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको और याद कर लीजिएगा कि सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन डी, महावामसा। महावामसा में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण हमें मिलता है, और महावामसा क्या है? एक बौद्ध मूल ग्रंथ के अंतर्गत आता है महावामसा। भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बौद्ध स्तूपों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये बिल्कुल सही है। ये बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृति शेषों के आधान यानी कि भंडार थे, ये भी सही है। ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे, तो ये गलत है, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा क्योंकि यह कथन सही नहीं है। और ये व्यापार मार्ग के नजदीक स्थित थे, ये भी सही है, तो हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। 14वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? 14वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? यह क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूं, और सही जवाब इसका बनेगा 28-29 जून 2019 को G20 के 14वें शिखर सम्मेलन का आयोजन ये जापान के ओसाका शहर में किया गया था। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शिरकत की थी। G20 की स्थापना कब हुई थी, यह भी याद रखना आप। G20 की स्थापना हुई थी कब? 1999 में बर्लिन में, ठीक है। और यह 20 औद्योगिक एवं विकासशील देशों का संगठन है, और इसमें EU भी शामिल है, यह भी याद है, आप याद रखना, यूरोपियन यूनियन। भारत की 56वीं मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? 56वीं मिस इंडिया का खिताब जीत लिया है किसने, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब बनेगा 15 जून को महाराष्ट्र में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2019 बन गई है राजस्थान की सुमन राव, दैट इज ऑप्शन ए। और अब वो आगे चलकर उन्होंने कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। शिवानी जाधव छत्तीसगढ़ से हैं, इन्होंने फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीता था। श्रेया शंकर जो कि बिहार से हैं, इन्होंने मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स 2019 का खिताब जीता था। और संजना बीज ये मिस इंडिया रनर अप रही थी 2019 में। तो अगला क्वेश्चन होगा कि 19वां यस्यो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो सही जवाब बनेगा इसका बिस्केक, दैट इज ऑप्शन ए।
किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 13-14 जून 2019 को, कब क्या कहा था, 13-14 जून 2019 को। देखिए ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यूपीपीएससी अक्सर एक नहीं दो दो साल पुराने करंट को रिपीट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और अभी यही चर्चा में है क्योंकि नया इवेंट हुआ नहीं है तो कोविड-19 की वजह से, तो यही प्रश्न पूछे जाएंगे इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इक्वल मेजर्स 2030 द्वारा जून 2019 में पहला एसडीजी इंडेक्स 2019 जारी किया गया, इसमें भारत की स्थिति क्या है। तो दोस्तों एसडीजी इंडेक्स 2030 एजेंडा द्वारा निर्धारित लिंग समानता के दृष्टिकोण से जुड़ा है तथा वर्तमान दुनिया की रूपरेखा देता है। यह 5 क्षेत्रों में 129 देशों में 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 14 के लिए लिंग समानता की स्थिति को मापता है। भारत की स्थिति इसमें है, इसमें कितनी कौन सी है, इंडिया इसमें है 95th स्थान पर। बात करें अगर हम श्रीलंका की, श्रीलंका का स्थान इसमें है 80। नेपाल इसमें रैंक करता है 102वें स्थान पर और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ये है 113वें स्थान पर। भारत की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो फिलहाल ये हैं भी और ये हैं निर्मला सीतारमण, तो ऑप्शन ए जरूर याद रखना है इसको। आम बजट 2019-20 में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत कितने एलपीजी कनेक्शन वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी 8 करोड़। और आपको पता होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अब ये योजना संपूर्ण भारत में बंद भी कर दी गई, क्योंकि जो निर्धारित लक्ष्य था उस समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। आम बजट 2019-20 में केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा मद क्या है, माल एवं सेवा कर, निगम कर, उधार एवं अन्य देनदारियां, ए और बी दोनों विकल्प सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। रट लीजिएगा, माल एवं सेवा कर और निगम कर से ही केंद्र सरकार सबसे अधिक आय अर्जित करती है। जम्मू कश्मीर के किस जिले में 24 से 27 जून 2019 को 23वां सिंधु दर्शन महोत्सव 2019 आयोजित किया गया है, और सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी दैट इज ले। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में 27 जून 2019 को भारतीय मूल की किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है, तो ये है ऑप्शन ए प्रिया सेराव। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने किस पर्वत पर विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन को स्थापित किया है। आप जानते होंगे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के बारे में, बहुत ही दिलचस्प चैनल है, आपको भी देखना चाहिए अगर आप मनोरंजन करना चाहते हैं और ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं साथ साथ। और दुनिया का जो सबसे ऊंचा ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन है वो स्थापित किया गया है ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट पर, तो ये जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों आपको पता होगा विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले थे नॉर्मन बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी स्वामीनाथन के द्वारा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 1966 और 67 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये आप जरूर याद रखना। भारत के कुल तिलहन उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो कुल तिलहन यानी कि तेल देने वाली जो फसलें होती हैं उनमें सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो सोयाबीन का होता है, और सोयाबीन का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश है यूएसए पहले स्थान पर, और उसके बाद नंबर आता है ब्राजील का। और बात करें अगर इंडिया के बारे में, तो इंडिया में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, ये भी आप याद रखेंगे। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI का मुख्यालय कहां पर है, सही जवाब है हरियाणा के करनाल में, ऑप्शन डी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप याद रखना। टू कलर्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, टू कलर्स तो ये किताब लिखी गई है एडम गिलक्रिस्ट के द्वारा जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये भी याद रखना कि इस किताब में कुछ विवादित चीजें लिखी गई हैं सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह के बारे में एडम गिलक्रिस्ट के द्वारा, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा भी लिखा है कि सचिन तेंदुलकर जब कोई मैच हार जाते थे तो हरभजन सिंह और सचिन दोनों विरोधी टीम से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, और भी तमाम चीजें हैं। नदी जोड़ो परियोजना को किस क्रांति की संज्ञा दी जाती है, नदी जोड़ो परियोजना, तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी अमृत जलधारा क्रांति। और ये है लास्ट क्वेश्चन,
ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग विजेता कौन बने हैं? सही जवाब इसका बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 20 जनवरी से 2 फरवरी 2020 तक खेला गया। नोवाक जोकोविच सर्बिया ने, जो कि सर्बिया के हैं, कहां के, इन्होंने 8 खिताब जीतकर इतिहास रचा था और अपना 17वां ग्रैंड स्लैम जीता। पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने थे नोवाक जोकोविच, उन्होंने हराया था डोमिनिक थीम को जो कि ऑस्ट्रिया से हैं। महिला एकल वर्ग में विजेता बनी है सोफिया केनिन जो कि रहने वाली है अमेरिका की। उप विजेता गर्बिन मुरुगुजा जो कि रहने वाली है स्पेन की। तो ये थे आज के टॉप 50 स्टडी जीके के एमसीक्यूज जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर ऑल एग्जाम्स। कोई भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो तो ये सीरीज आपने काफी हेल्पफुल रहेगी। डेफिनेटली अगर आप कुछ समय देते हैं इस वीडियो को तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होगी जो कि आप क्रैक न कर सके। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन आईडीज पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर हमें सर्च करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो के बारे में क्या राय है, आपकी फीडबैक बहुत ही जरूरी है, जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।